अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम आपको लोटस स्टेम के पकौड़े बनाना सिखाएँ, जिसको कश्मीरी में नादर मौज कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लजीज क्रिस्पी बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए यहाँ पे लोटस स्टेम्स 3 अदद लिए मैंने। इनको वॉश करना है, पहले कैसे करना है वो भी दिखाऊंगी आपको। इस तरह से इनको अपर लेयर जो है तो वो इस तरह से छील लेना है, साफ़ करना है। अब देखिए चाकू से इसको बिल्कुल साफ़ करके बहुत ही अच्छा वाइट हो जाता है, सारी डर्ट ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। इसके बाद हमें इसको कट करना है इस तरह से फिंगर साइज़ में, मैंने इस तरह से कि आप छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, इसके बाद इस तरह से स्टिक से इनको साफ़ करना है। तो आप चाहे तो इनको बाद में भी साफ़ कर सकते हैं कट करने के बाद, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इनको साफ़ किया जाता है। तो इसके बाद इनको पूरी तरह साफ़ करके हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए पतले पतले, ज़्यादा पतले भी नहीं ना ज़्यादा मोटे रखने हैं, इस तरह से इनको कट करके हम साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, थोड़ा सा कुछ और कीचड़ होता है बीच में तो वो क्लीन करना है। उसके बाद छानी में रखेंगे इस तरह, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तब तक हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमने सौंफ पाउडर, धनिया की पाउडर, कैरम सीड्स यानी अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये बेकिंग पाउडर, बेसन का आटा मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, सूजी तकरीबन 2 टेबलस्पून, और ये कॉर्न स्टार्च 2 टेबलस्पून लिए हैं मैंने। अब हमें लेना है चावल का आटा, इस तरह से मैं एक बोल में ले लूँगी। 2 कप लिए मैंने इस कप से, और बेसन का आटा, ये देखिए कॉर्न स्टार्च, ये जो, और सूजी। ये जो कॉर्न स्टार्च है ये हमारी जो पकौड़े हैं उनको सख्त नहीं होने देता है, बहुत ही क्रिस्पी रखता है और टेंडर रखता है। सूजी से भी बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं, और बेसन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर लेंगे यहीं पे सारे। ये सारे जो हमने रखे थे वो यहाँ पे ऐड करके इनको पहले सूखा ही मिला लेना है। इसके बाद आप कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ किया है। ये देखिए आप इस तरह से पानी में मिक्स करके आप इसमें डाल लें और मिक्स कर ले सारी चीज़ों को। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसका एक अच्छा बैटर बना लेना है, जो कि ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके पानी मिला लेना है जितना हमें चाहिए। ये कंसिस्टेंसी वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा बहुत कम पानी ऐड कर लेना है। अब ऑयल गर्म होने के लिए रखना है, तब तक इनको मिला लेंगे इस तरह से थोड़े थोड़े करके मिक्स करना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा और नमक ऐड कर रही हूँ, आप नमक चेक कर लीजिएगा पहले ही किस हिसाब से आपको पसंद है। उसके बाद तेल में डालना है, पहले मैं चेक करूँगी तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो अगर जो मैंने इसमें डाला ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स ऑयल अच्छा गरम हुआ है। तो अब इसमें लगा लेना, एक साथ नहीं थोड़े थोड़े करके डालना है। तो इस तरह से इनको थोड़े थोड़े करके ही डालना है, अगर हम एक साथ डालेंगे तो ये उतने अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई होने के बाद ही निकाल लेंगे हम। आप जितना क्रिस्पी आपको पसंद है उतने क्रिस्पी बना के आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये देखिए सारा ऑयल निकाल के हम इनको निकाल देंगे। इसी तरह से और भी डालने हैं। ये देखिए इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है,
तो बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था। तो आप देखिए हमारे जो पकोड़े हैं, आप चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई ये रेसिपी। बाकी मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।